छुट्टी के दिन अपने पेरेंट्स के साथ टीवी देखना और एंजॉय करना सभी को पसंद है। और जनरली टीवी हॉल में रहती है और साथ में हम सोफा पे लेटते हैं, बैठते हैं और टीवी देखते हैं। सोफा नहीं नहीं, आई थिंक काउच पे बैठते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सोफा काउच कौन सा सही वर्ड है? तो आइए मेरे साथ, आज मैं आपको इन सारे चेयर्स के नाम बताने वाली हूँ। वो चेयर जो हम घर में जनरली यूज करते हैं और जिसपे दो से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं, जिसके पीछे में एक बैक रेस्ट और साइड में आर्म रेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं सोफा और काउच। लेकिन अगर यही चेयर जिसपे सिर्फ एक जन बैठ सकता है लेकिन इसके साथ में पीछे बैक रेस्ट और आर्म रेस्ट है, तो उसे हम कहते हैं आर्म चेयर। ऑफिस में जो चेयर हम यूज करते हैं जिसपे हम बैठते हैं, उसपे हम गोल गोल घूम भी सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्विवल चेयर। वो चेयर जिसपे बच्चे को जैसे गोद में ऐसे ऐसे हम झुलाते हैं ना, रॉक करवाते हैं, उस चेयर में भी हम आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए उस चेयर का नाम है रॉकिंग चेयर। इसे हम क्या कहते हैं, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।